हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीना ब्लॉगर। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। गाइज, मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। और आज है हमारे यहाँ पर कान्हा जी का बर्थडे, और आज पहले दिन में कीर्तन और यहाँ पे सारी डेकोरेशन वगैरह हो गई थी। मैं तैयार होने के लिए गई थी तो तभी व्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, तो बैकग्राउंड में ना ढोलक की आवाज़ आने लगी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ा। तो प्लीज़ मेरे व्लॉग में आज के बनी रहिएगा आप। तो गाइज, अब कान्हा जी को भोग लगने की बारी, और मम्मी ने सारा मतलब प्रसाद वगैरह कान्हा जी के आगे रख दिया, और एक चुन्नी की हेल्प से ना कवर कर लेंगे, और एक भोग का ना भजन गाया जाएगा, और तब कान्हा जी को भोग लगाया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज, आज ना दो का बर्थडे है, एक तो हमारे कान्हा जी का और एक है मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी का जन्मदिन, जो आज पूरी एक साल की हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी बैलून्स वगैरह खुला के तैयार कर ली थी, और दीदी यहाँ पर लगा रही थी, और यहाँ पे केक कटिंग की सारी तैयारी हो चुकी, क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो इसलिए पीयू के पापा इवनिंग में जाके दीदी को लेकर आ गए थे, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहेगी। तो यहाँ पर सारी बर्थडे की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, और पीयू भी तैयार हो चुकी है। मैडम ने पहले ही बोला कि मम्मी मुझे आप पहले तैयार कर दो, और देखो इसका एक्साइटेड, वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है बर्थडे में। मुझे सबसे ज़्यादा यही लग रही है कि बस वो सोच रही है कि केक कटिंग हो जाए, और हमारे कान्हा जी भी तैयार हैं केक कटिंग के लिए। तो चलो अब केक काट लेते हैं। Thank you.
सब जो अपने अपने कान्हा जी लेकर आए थे, तो बर्थडे कटिंग के बाद सबके कान्हा जी अब सबके घर चले जाएंगे, क्योंकि दो दो बार लेकर आए थे, तो इसलिए हमने रोक लिए थे कि जब शाम में आप लोग केक लेने के लिए आओगे तो अब आप अपने कान्हा जी को लेके चले जाना। और आप यहाँ पे देख सकते हो पीओ की मस्ती कंटिन्यू चल रही है, बस उसको डांस करना। केक कटिंग हो गया था और खाना पीना सब हो चुका है, और सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं रूम में आ गई हूँ। और अभी करनी है मुझे पैकिंग, बिकॉज कल है रक्षाबंधन, तो अभी मुझे पैकिंग भी करनी है। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, उसकी काफ़ी सारी रीजंस है, क्योंकि बीच में ना काफ़ी अप डाउन चल रहे थे लाइफ में, तो इस वजह से ब्लॉग वगैरह बनाने का मन नहीं कर रहा था। और से मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, और पीयू की भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इसलिए ब्लॉग या कोई सी भी वीडियो नहीं डाल पा रही थी। पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है, रात के 12 बजने वाले हैं, और अभी तक मैंने कुछ भी पैक नहीं किया है। सारा सामान मैंने निकाल के सोफे पर रख लिया ताकि मुझे रखने में ना कोई दिक्कत नहीं आए, और मैं कोशिश करूँगी कि डेली ब्लॉग में डाल पाऊँ। और चलो फिर मैं पैकिंग कर लेती हूँ, मैं आपको दवाइयों का ढेर दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने उसको भी पैक किया है, और अभी मुझे दवाइयाँ लेनी है, और पीयू की भी मैंने दवाइयाँ पैक कर ली हैं। मेडिसिन वगैरह लेने के बाद अब मैं करूँगी पैकिंग, क्योंकि मुझे ना अब कल रक्षाबंधन है, तो इसलिए मुझे ना कुछ दिन मायके रह के आना है, इस वजह से मैं पैकिंग कर रही हूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा है कि कुछ दिनों के लिए मैं जाऊँगी मायके रह के आऊँगी, तो माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। और घर का खाना या पीना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, सब कड़वा सा लग रहा है, तो थोड़ा सा हवा पानी चेंज होगा तो मन को भी अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था। और मैंने इसके पापा से बोला था कि मैं कुछ दिन के लिए रह के आऊँगी। और यहाँ पे मैं पीयू का बैग दिखा रही हूँ, और उसके बुक्स वगैरह मैंने सब रख ली हैं। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ गाइस मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर। और व्लॉग चैनल पर नए होना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।